पता ना है क्या है, पता ना छुका रहा गाने के लिए। इसको निकालते हैं कि नहीं सीट्स को, जो हैप्पी वैली का है, और यहाँ पे इसका प्राइस आप देख सकते हैं कि सिर्फ 100 ग्राम का है, और यहाँ पे इसका प्राइस वाइट टी वालेकुम। मेरा नाम है फातिमा और आप लोग देख रहे हैं सुग्रा की वीडियो। सो गाइस, अभी मैं आई हूँ दार्जिलिंग में, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ती है, और दार्जिलिंग जो है टी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। दार्जिलिंग आए और टी गार्डन ना देखे, ऐसे हो सकता है नहीं ना। सो मैं आप लोगों को लेके आई हूँ टी गार्डन। आप यहाँ पीछे देख सकते हैं, ये पीछे पूरा का पूरा टी गार्डन है, और भी अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो गाइस, अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दूँ तो गैंगटोक से यहाँ पे जो है लगभग 4 घंटे का रास्ता है, और क्योंकि एक तो पहाड़ की पूरी ऊंचाई पर बैठे हैं, देखो ये सबसे ऊंचाई पर ही है, इसके बाद और कोई पहाड़ देखने को नहीं मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऊंचाई पे ही दार्जिलिंग पड़ता है, और यहाँ पे पूरा का पूरा टी प्रोडक्शन खेती होती है, टी की, चाय की। और इस वैली का नाम हैप्पी टी वैली है, यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं पीछे हैप्पी टी वैली। सो यार बहुत मस्त नज़ारा पीछे देख सकते हैं। यहाँ से तो हम आए हैं ऊपर से, और अभी जाएंगे नीचे की ओर, और भी नीचे की ओर जाएंगे। बहुत मस्त नज़ारा है यार, सच में देखने लायक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वाह, मैं बिल्कुल अपोजिट साइड में आई हूँ, और यार देखो बादल कैसे चल रहे हैं। और अभी शुक्र है आज के दिन थोड़ा धूप है, वरना बिल्कुल अंधेरा होता, कुछ भी दिखाई नहीं देते यहाँ पे। मस्त नज़ारा है अभी के अभी, ये मौसम कितना अच्छा हो रखा था, यहाँ से कितना अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा था। ये देखो अभी के अभी पूरा बादल आ गए और अंधेरा अंधेरा छा गया। ये देखो यहाँ से मेरे ऊपर से बादल चल रहा है। तो मैं काफ़ी नीचे आ गई हूँ, बहुत ऊपर से आई थी मैं, वहाँ से यहाँ तक पहुँच गई हूँ मैं, और अभी भी नीचे देखने जाने का मन तो कर रही है, लेकिन यहाँ से एक शॉर्टकट है, पता नहीं वहाँ पे क्या है, एक रास्ता सा बना हुआ है यहाँ से, तो वहाँ पे देखने जाऊँगी मैं। देखो पता ना है क्या है, पता ना छुका रन। उस साइड जो है पूरा बादल आ गए, पहले बहुत साफ नज़ारा था, अब ये साइड थोड़ी बहुत बादल हट गई है, तो आप यहाँ इस साइड देख सकते हैं ये सारे घर हैं, ये वाला, और यहाँ ये एक फैक्ट्री भी है। यहाँ पे क्या करते हैं, चाय पत्ती वगैरह पैकिंग वैकिंग भी होता है, अगर इंशाल्लाह टाइम मिले तो वहाँ पे भी जाएंगे, अगर जाने दिया तो। और बाकी ये नज़ारा है, ठीक है। हैप्पी वैली, हाँ बिल्कुल, इससे बहुत अच्छा होता है, सबसे महंगा चाय इधर का है, हैप्पी वैली का, दार्जिलिंग ऑल दार्जिलिंग का है ना, इधर का एक ग्रेड है टी है ना, इसलिए दार्जिलिंग में बाहर पे ऑक्शन होता है ना, एक आया था बोल रहा था तुम लोग इधर के हो, हाँ वो सोच रहा था हम लोग को बहुत रीच है ना, क्योंकि वो बोल रहा था, मैं तो सोच रहा था जब ये टी ऑक्शन में होता है ना तभी वो लोग नहीं खरीद सकता, किसमें होते हैं उधर बाहर देश में जाता है ना तो डायरेक्ट, हाँ हाँ। इधर पे नहीं मिलता, इंडिया में नहीं मिलता इधर, बिल्कुल बिल्कुल, ये दार्जिलिंग सॉलिड बाहर जाता है, ये वाला सभी जाता है, हैप्पी वैली या फिर सारे, नहीं नहीं हैप्पी वैली का ओनली जाता है, अच्छा हैप्पी वैली के लिए जाते हैं, बाहर जाते हैं ना, इधर का टी बहुत है डिमांड में, इसलिए इधर का टी तो नहीं खरीद सकते, छोटे से पैकेट का है ना, इतना एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा है ना, इसलिए ऑक्शन में बोल रहा था वो है ना। या ये इनका सीट्स है ना टी का, सीट्स लगाने के लिए, इसको निकालते हैं कि नहीं सीट्स को, अलग अलग जगह पे गए हैं। अभी मुझे ये बताओ ना, जैसे यहाँ पे ये टी है, इनमें से कौन सा वाला लेना होता है, जैसे मेन पत्ता सारे या फिर कुछ अलग होते हैं, मेन होते हैं, अभी नहीं है इधर, ऐसा लेता है, कौन सा वाला, ऐसा लेता है, ऐसा, अच्छा अच्छा, ऐसा टी प्रोसेसिंग होता है उधर, फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री में जाकर प्रोसेसिंग होता है, वो मशीन है, मशीन निकालता है ना, अच्छा इसलिए टी होता है, ये वाला निकालते हो क्या, ऐसे ऐसे ऐसे, ये है ना, ये हां ये है ना, ये हां ऐसे निकलता है ना, अच्छा होता है ऊपर, ये तो नहीं है,
अच्छा ये सब नहीं है, ये सब वेस्ट है। मेन मेन जो ये इस टाइप में होते हैं उसको निकालना होता है। ऐसे करते हैं, ऐसे टीप प्लॉगिंग करता है ना जो, हाँ जी वो लेबर लोग प्लॉगिंग करता है। अच्छा ये तो कुछ नहीं है, ये तो इसका कोई वैल्यू नहीं है इन सबका, इन पत्तों का नहीं है, सिर्फ इसका वैल्यू है ना जो जो मेन मेन होता है ऊपर ऊपर है ना वो वैल्यू। हाँ फिर तो महंगा हो गई। उधर वो तो कुछ नहीं है, नाइटिंगेल पार्क है ना। हाँ हाँ अच्छा है यार, कितना सुंदर जगह है, अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा हम लोग को इधर अच्छा नहीं लगता। हाँ हर किसी का यही होता है। फाइनली यहाँ से मैं घूमने गई थी, यहाँ से पूरा घूम के इस साइड से मैं वापस आ चुकी हूँ फिर से यही जगह पे, और जहाँ पे फैक्ट्री मैंने आपको पहले दिखा दिया था। तो पहले मैं यहाँ का नज़ारा एक बार और दिखा देती हूँ, मौसम बार बार चेंज हो रही थी। सो इस साइड से मैं चली गई थी घूमने के लिए, यहाँ से होते हुए पूरा घूमते हुए और उस साइड से होते हुए मैं यहाँ पर दोबारा से पहुँच गई हूँ। सो अब देखते हैं यहाँ से एंट्री करने की कोशिश करते कि ये लोग वीडियो बनाने देते हैं या नहीं, देखते हैं। ओके यहाँ से अंदर, यहाँ से टिकट लेना होगा ना अभी, यहाँ से नहीं लेना। लेकिन मैडम हाँ इसको वहाँ पर यूज मत कीजिए। अच्छा लीजिए, ओके ठीक है, मतलब चोरी छुपे सही बात, ट्राई करेंगे। चलो चलते अंदर, ये रहा अंदर, यहाँ से जाएंगे हम गेट से और इसी ब्रिज से होते हुए यहाँ पे हैप्पी वैली लिखा हुआ है यहाँ तक जाएंगे। चलो चलते हैं। सो गाइस मैं फाइनली अंदर आ चुकी हूँ और यहाँ पे वीडियो बनाने बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे, तो मैं चोरी छुपे वीडियो बना रही हूँ। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ग्रीन टी जो हैप्पी वैली का है, और यहाँ पे इसका प्राइस आप देख सकते हैं कि सिर्फ 100 ग्राम का है, और यहाँ पे इसका प्राइस देखो 500 रुपीज़। सो आप लोगों को भी बताते चलो, ये हैप्पी वैली का जो टी है ना, ये बाहर एक्सपोर्ट होता है, आपको इंडिया में कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। आप ये देख सकते हैं कि ये 50 ग्राम का है सिर्फ, और इसका प्राइस चेक कीजिए आप, ये है 650 रुपीज़ में, आपको सिर्फ 50 ग्राम का चाय 650 रुपीज़ में मिलेंगे, इतना कॉस्टली। और ख़ासकर ये पूरे दार्जिलिंग में सिर्फ ये हैप्पी वैली का ही टी बहुत ज़्यादा आपको कॉस्टली मिलेंगे, और बाकी की जो टीस है वो आपको नॉर्मली बहुत सस्ते में मिल जाएंगे। मैं घूमने गई थी कल तो वहाँ पे 100 रुपये में 4-4 भी मिल जाते हैं। और ये देखो ये अलग सा पैकिंग में किया हुआ है, फ्लेवर ऑरेंज करके हैं, और ये सिर्फ 250 ग्राम है, और इसका आप प्राइस चेक कीजिए 900 रुपीज़ में। वाह यार, 250 ग्राम 900 रुपये में। तो ये था यहाँ की टी जो कि बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, ये आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। और ये क्या चीज़ है, ये कुछ स्टैंड वगैरह होगा पेन वेन रखने का या ऐसी, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स भी रखे हुए जो कि हैप्पी वैली का ही है, आप देख सकते हैं। यार हुआ क्या, मैं यहाँ पे ना जैसे प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, चाय पत्ती कैसे बनते हैं इन पत्तियों से, तो वो देखने आई थी बट वो नहीं देख पाई। सो यहाँ पे इस डब्बे का भी बहुत हालत ख़राब करके रखा है, ये 100 ग्राम 450 रुपया। सो अगर वो देख पाती तो बहुत मज़ा आता, क्योंकि मैम ने कहा है कि यहाँ पे वो चीज़ जो है बहुत सुबह सुबह में बनता है, और सुबह 9-10 बजे खुलता है, तो उससे पहले ही ये सारा प्रोसेसिंग होके काम ख़त्म हो जाते हैं, तो उस चीज़ को नहीं देख पाते। अब यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे टीज बनके तैयार हो चुके हैं, यहाँ पे अलग अलग नाम के साथ चाय बनाया हुआ, जैसे हमारे लिप्टन टी बनते हैं ये तो वैसे ही है, बाकी नाम उसमें अच्छे से दिख नहीं रहा। और ये दूसरा टी है, इसके ऊपर नाम नहीं लिखा है। और ये तीसरा टी है, यहाँ पर फैनिंग करके कुछ लिखा हुआ है, ये देखो चाय पत्ती का बिल्कुल लुक ही अलग है, वाओ। और ये रहा इस टी को भी, आप देख सकते हैं ब्रोकन नाम दिया हुआ है, अलग अलग नाम दिया हुआ है, ये हमारे जैसे घर पे हम बनाते हैं चाय तो वैसे टाइप में ये दोनों, और इनका नाम ब्लैक हॉल करके, ब्लैक हॉल लीव्स, ब्लैक हॉल ऐसे ही है। और ये वाइट टी
यहाँ पे अब मेरा टाइम होता है स्टार्ट। तो गाइज मेरा समय होता है आपसे स्टार्ट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे चाय बना के रखा हुआ है, जिसमें सबसे पहले में क्या है, थोड़ा हल्का कलर है, फिर डार्क, फिर डार्क, फिर उससे भी डार्क, फिर उससे भी डार्क। बाकी इसका नाम मैंने नहीं पूछा इन लोगों से, बस देखते चली गई। और ये है कॉफ़ी मशीन, और यहाँ पे कुछ किचन का सामान रखा हुआ है जहाँ पे ये लोग चाय पीते होंगे। और आगे बढ़ते हैं, आगे हमें कुछ नहीं देखने को मिला। यहाँ पे लिखा हुआ है हैप्पी वैली, और यहाँ पे उन लोगों ने अपना कुछ पोस्टर लगा हुआ है शायद। यहाँ पे वो लोग अपना है, मतलब जो हैप्पी वैली का टीस है वो सब एक्सपोर्ट करते होंगे। और कुछ सर्टिफिकेट्स भी हम आपको दिखाएंगे। ये जो है ना कुछ कप्स और प्लेट हैं जो कि हैप्पी वैली टी के अंदर ही देखने को मिल रहा है हमें, और बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन भी है, जैसे हमारे यहाँ पे होता है वैसे ही ले में बहुत देखने को मिलेंगे ऐसे कप्स। और यहाँ पे हैप्पी वैली ने बहुत सारे सर्टिफिकेट्स इकट्ठा करके रखा हुआ है जो कि हैप्पी वैली के नाम पे है। हाँ देखिए, तुलसी 400, बैड लक है कि हम नहीं देख पाए, क्योंकि कह रहे हैं कि जो प्रोसेसिंग होता है वो सुबह सुबह में हो जाता है। कह रहे हैं सुबह सुबह में चाय बहुत अच्छी निकल जाते हैं, तो सुबह 8-8:30 बजे तक पूरा प्रोसेस ही खत्म हो जाता है चाय बनाने का। तो फिर देख के क्या फ़ायदा, कुछ ऐसे मशीनें वगैरह दिखाते हैं ऐसे ऐसे करते, फिर मैं गई नहीं। मैं थोड़ी बहुत ऐसे मशीनें वगैरह देख लिया, बाकी चाय का प्राइस और डब्बा वगैरह जो कि पैकिंग कैसे होता है, जो पैकिंग कैसे हुआ है वो तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। फिर मैंने उनसे कहा कि अगर मैं कल सुबह जाऊँ तो कितने बजे तक प्रोसेसिंग होता है, फिर दिखा सकते हो कि नहीं। तो कह रहे थे कि नहीं, 8-8:30 बजे तक तो पूरा ख़त्म ही हो जाता है, यहाँ पे 9 बजे ही ये गेट खुलता है तो आप नहीं देख पाएंगे। मैंने कहा फिर ठीक है, फिर मैं आ गई वहाँ से। देखो यहाँ पे और देखने के लिए आ गए लोग, वीडियोज़ ले रहे, फ़ोटोज़ ले रहे, पूरा वहाँ तक होके आई हूँ। देख रहे पीछे, वहाँ तक होके आई थी मैं, और अभी फिर से चढ़ना है ऊपर की ओर, बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है। सो गाइज, अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है, और साइड में दिए बेल आइकन को बिंदास होकर क्लिक कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छी वीडियो लेके, तब तक के लिए वस्सलाम अलैकुम।